हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है। आपको सिंपली यहाँ सर्च बार में जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है ब्लूटूथ ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ एंड अदर सर्विस पे दिखेगा, यहाँ पे हमारे पास ब्लूटूथ का ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन जो है नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ट्रबल शूट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है सर्च बार में ट्रबल शूट, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा ट्रबल शूट सेटिंग्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है एडिशनल ट्रबल शूट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अब सर्च करना है ब्लूटूथ का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको सिंपली यहाँ पर रन द ट्रबल शूट पर क्लिक करना है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है यहीं पे रिजॉल्व हो जाती है ब्लूटूथ की। अगर इन केस यहाँ पे आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो आपको मैं बताती हूँ सेकेंड स्टेप। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको सेकंड स्टेप पे लेके चलती हूँ मैं। यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज, यहाँ पे आपको सर्विसेज दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सभी सर्विसेज दिखाई देंगी, यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लूटूथ सर्विसेज और यहाँ पे आपको जितनी भी ब्लूटूथ की सर्विस दिख रही है यहाँ पे ये रनिंग होना चाहिए स्टेटस। ये अगर रनिंग है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ की सर्विस चेक करनी है, तो यहाँ पे ये जो रनिंग है हमने उसको क्लिक करके यहाँ पे इसको मैनुअली ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और ओके करना है। यहाँ पे आपको जितनी भी ब्लूटूथ की सर्विस दिख रही हैं सबको आपने ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट करना है। ये अगर स्टॉप है ऑटोमेटिक पे क्लिक करके स्टॉप करके आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे अप्लाई और ओके। ये जो आपको रनिंग दिख रहा है यहाँ पर ब्लूटूथ ऑडियो गेटवे, यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है। मैनुअली है इसको ऑटोमेटिक करके स्टॉप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, देन अप्लाई और ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ रीस्टार्ट के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है आपके जो इतने भी ब्लूटूथ के ऑप्शन हैं सारे रनिंग होने चाहिए आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। अगर इसके बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व नहीं होती है तो मैं आपको थर्ड स्टेप बता देती हूँ। थर्ड स्टेप के लिए आपको अपने ब्लूटूथ का ड्राइवर अपडेट करना होगा। उसके लिए आपको सर्च बार में टाइप करना है डिवाइस मैनेजर। तो आपको यहाँ पे देखना है ब्लूटूथ का ड्राइवर आपको यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का ड्राइवर नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर जाना है शो हिडन्स पे, यहाँ पे क्लिक करना है और मोर पे व्यू करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है शो हिडन डिवाइसेस, क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्लूटूथ का ऑप्शन, सर्च करना है। इसके बाद इन सभी ड्राइवर्स को आपको अपडेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज में जाना है, ड्राइवर दिखेगा आपको, यहाँ पे अपडेट ड्राइवर दिखेगा और इसको ओके करना है क्लिक करके। इसी तरीके से आपको सारे ड्राइवर्स को अपडेट करना है। इसके बाद आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, आपकी जो ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इन केस अगर रीस्टार्ट के बाद भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है तो आपको इसकी प्रॉपर्टी में जाना है और इनको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप इसको रीस्टार्ट करेंगे तो जो आपका सिस्टम है वो अपने आप ही इसे रीइंस्टॉल कर लेगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।